गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए स्पीडी जीके की बुक से एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान लेकर आया हूँ। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो जो पुरस्कार और सम्मान है वो उसकी शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई और वो पुरस्कार या सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इनके बारे में हम लोग वन बाई वन करके अच्छे से देखेंगे। तो पहला हमारा है मान बुकर पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में। तो मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1969 में। और मान बुकर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम आते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रसायन में, भौतिकी में, मेडिसिन में, अर्थशास्त्र में, शांति के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है की शुरुआत कब हुई? 1901 में। और यह कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह टोटल कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब हम आते हैं कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1952 में। और यह जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम आते हैं ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1929 में हुई और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में कलिंग और ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार। कब से इसकी शुरुआत हुई? 1929 से। तो मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो नाम क्रमशः आपके हो गए भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति के लिए, ठीक है, मेडिसिन के लिए इत्यादि। और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई, यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। मैग्सेस पुरस्कार। तो मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1958 में। यह जो है सरकारी जन सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1958 में। यह पुरस्कार जो है सरकारी और जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम आते हैं ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1959 में। यह पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1959 में हुई, यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1951 में। और यह जो है सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और मिस यूनिवर्स, इसकी शुरुआत जो है 1952 में हुई और यह पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न, तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 से। भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1954 से हुई और यह पुरस्कार जो है असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। किसके लिए? असाधारण उपलब्धि के लिए। अब हम आते हैं आगे की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1965 में। और यह पुरस्कार जो है साहित्यकार को दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है 1965 में हुई और यह पुरस्कार जो है साहित्यकार को दिया जाता है। अब हम आते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। यह खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई? 1961 में। यह जो है खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अब इसकी शुरुआत कब हुई? 1985 में। और यह पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में। और यह पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अब हम आते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1969 ईस्वी में हुई और यह जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है।
तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 ईस्वी में, और यह जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम आते हैं भटनागर पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1957 में हुई, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई, और यह जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम आते हैं पुलित्जर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1917 में, और यह पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो है 1917 में हुई, और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।